ब्रज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वाग्र गुरुदेव परम गुरुदेव शिल प्रभुपाद संप्रदाय में स्वीकृत हुए सारे आचार्य वर्गों का चरण में साष्टांग प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पर अभी तक की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। धारावाहिक रूप से श्री मनोशिक्षा का जो कथा चल रहे थे आज उसका पांचवी श्लोक आशा चेष्टा कष्ट पदा विकट फसली वीरिह प्रकामं कमादि प्रकट सतपति व्यति करै गले बद्वा हन्ये अमिति बकवेद वात्मपगने कुरु त्वत्फुत्करानावति सायतत्वाम मनहितः। अर्थ है हे मनः कमादि स्पष्ट पटपाती यानी बाटपा व्यतिकार समूह यानी असत चेष्टारूप कष्टप्रद विकट पाशाली द्वारा मेरा गल देश में गले में बद्ध हो गया है आबद्ध हो गया है। मैं हमेशा के लिए इसी यंत्रणा का भोग कर रहा हूं। इतना कष्ट है तो इसीलिए इससे छुटकारा मिलने का क्या उपाय है? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने बोला तुम जोर जोर से बकोभीत वर्तमोपगन लोगों का बुलाए उन लोग एकमात्र इसी असत चेष्टारूप जो कष्ट है जो हमेशा तुमको कष्ट प्रदान कर रहा है उसी से छुटकारा दे सकता है। और विस्तार से बोलने से असत चेष्टा यानी सर्व पहला कमादि प्रकट प्रकटाती व्यति कर रही कमादि यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर्य ये जिस से गुण है ये दुष्य स्वरूप है। एक पथिक मार्ग में जब चलता है तब उसी मार्ग में उनका डाकू का साथ जब दर्शन हो गया तब उनका साथ सब कुछ हरण कर लेगा। तो जिंदगी में अर्थात जिंदगी का मार्ग में चलते हुए डाकू कौन है? ये से बुरा गुण है, ये से काम है, काम क्रोध लोभ मोह मदाभिमान मदमाच्चर्य इसका पथो प्यापी व्यती कर रही ये अनित्य कैसा है जो आक्रमण करता है जो हमेशा हम लोगों का आक्रमण करता है। ये से पुकार का काम हम लोगों का आक्रमण करता है हम लोगों का कोई अच्छा चीज करने नहीं देता है। और वो कैसा है? वो असत चेष्टा कष्टप्रद विकट पाशाली वीरिह ये अनित्य विषय चेष्टारूप असत चेष्टा यानी अनित्य विषय चेष्टारूप जो दुख है वो भयंकर एक रज्जु जैसा है रशि जैसा है। विषय क्या है यानी रूप रस गंध स्पर्श शब्द फाइव सेंसेस जो पंच इंद्रियों है
उसी पंच इंद्रियों का अपना इंद्रिय तर्पण करने के लिए जब हम लोग नियोजित करूंगा। लेकिन वो भगवान का वैष्णव का सुख के लिए नियोजित होगा तो वो विषय नहीं होगा। तो ऐसा आज ये विषय भोग करना अनित्य है, उसी विषय भोगी करने का, उसी विषय भोग करने का जो चेष्टा है उसी का असत्य कहता है, वो बहुत कष्टदायक है। वो एक भयंकर ऋषि का साथ तुलना किया गया है, उसी ऋषि मेरा गले में बंद हो गया। और गले में जब ऋषि बंद हो गया, उसी ऋषि का जो तकलीफ हो रहा है, जो ऋषि का बंधन से मेरा क्या हो रहा है, पीड़न हो रहा है, यंत्रणा हो रहा है, इतना कष्टदायक है जो हमको भोग करना हो रहा है। तो देखिए, तो इसी से छुटकारा मिलने का उपाय रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने बताया। इसी से छुटकारा मिलने के लिए हम लोग का क्या करना, उन्होंने लास्ट लाइन में बताया, कुरुत्वा छुटकारान अवनति। कुरु यानी आप करो, क्या है छुटकारान, आप जोर जोर से करो। क्या करना है, त्वम, आप अपने आपका उद्धार करने के लिए जोर जोर से, जोर जोर से यहां को जोर जोर से बुलाना, किसका, बकभेद वर्तम पगने, बक यानी बगुला, बगुला का ब्रज लीला में बकासुर का कौन वध किया था, भगवान कृष्णचंद्र ने। तो भगवान कृष्णचंद्र बकासुर का वध किया था, इसलिए उनका नाम हुआ बकभीत, बक का भीत किया। और उसी बकभीत करने वाला कौन है, भगवान कृष्णचंद्र। तो बकभीत वर्तमोपगणे यानी भगवान कृष्णचंद्र का चरण में जिन लोग जाने के लिए प्रयास कर रहा है उसी मार्ग में चल रहा है, और उनका चरण में पहुंच गया, जाने वाला व पहुंच गया, उन लोगों का वैष्णव कहता है, उन लोगों का संतु कहता है, यानी एकमात्र संतु का चरण पकड़ते हुए जोर जोर से बुलाने से ही उन लोग, हम लोगों का जो काम आदि, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, और साथ ही साथ वो हम लोगों का जिंदगी का एक डाकू स्वरूप, एक भयंकर ऋषि स्वरूप, तो इसी विपद से एकमात्र छुटकारा यानी हम लोगों का उद्धार वैष्णवी कर सकता है। तो मैं सारे भक्तों का चरण में निवेदन करता हूं, तो वैष्णव का चरण में आत्मसमर्पण करते हुए, चरण में आश्रय लेते हुए, गुरु जी का चरण में आश्रय लेते हुए, क्योंकि गुरु महाराज श्रील गुरुदेव है वैष्णव शिरोमणि, चरण में आश्रय लेते हुए हम लोगों का भी इसी काम आदि असत चेष्टा विषय भोगों का त्याग करते हुए भगवान का चरण का और उसी मार्ग में ही चलना है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।